तो एक यूनिट सर्कल लिया मैंने, यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 हो। तो इस यूनिट सर्कल में आपको मैंने बताया था कि कोई भी सर्कल पे अगर सेंटर उसका ओरिजिन हो तो सारे पॉइंट जो भी उस सर्कल पे पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। हाँ कॉस कॉस ए, थीटा, बिल्कुल बिल्कुल यस बिल्कुल। सर, कॉस। तो मैं इधर क्या करता हूँ, इधर एक एंगल ए ले लेता हूँ, ये एंगल ए है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉमा साइन हो जाएगा। यस सर, और इधर मैंने कहीं बी यस ले सर, लिया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा अगर ये एंगल बी है, तो कॉस बी साइन, क्योंकि एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब इसका रेडियस 1 हो, वन इसका रेडियस क्या हो, 1 हो, कॉस बी साइन बी। अब ये पूरा एंगल ए है और छोटा सा एंगल बी लिया है मैंने, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, बी ए ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस सिंपल सी बात है, ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसको कुछ नाम दे देता हूँ, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। एक बात बताओ, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोई बताना चाहेगा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, आर पॉइंट का, आर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो जीरो, वन तो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा ना 0, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1, क्योंकि यूनिट सर्कल है, साइन 1 होगा ना, साइन भी क्यों होगा, ये पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 1 है ना, क्यों, सर, यूनिट सर्कल है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो 1,0 हो गया, क्यों, आया समझ में, यस सर, बाकी लोग, यस सर, यस ठीक सर, है। तो अब ये ए माइनस बी एंगल है, फिर हम फिर लेट से से जॉइन, सर क्यों लेट से ज्वाइन किया आपने, फोन नहीं था पास में, अच्छा कुछ नहीं, यहाँ पे वो पॉइंट है कॉस ए साइन बी, पी पॉइंट ले लिया जिसका एंगल ए था, तो कॉस ए साइन ए हो जाएगा, और बी पॉइंट बी एंगल ले लिया तो कॉस बी साइन बी, बस इतना ही बताया मैंने, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1,0, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब वो जो ए माइनस बी एंगल था, वो ए माइनस बी एंगल को हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं, सुनना ध्यान से, क्या करता हूं मैं, अगर ये ओ था तो ओ क्यू लाइन को या ओ क्यू रेडियस को ऐसे उठा के मैंने ओ आर पे रख दिया, समझना ध्यान से, मतलब कि ये एंगल पी ओ क्यू जो ए माइनस बी एंगल है, तो अगर जो उसका इनिशियल आर्म होता है, इनिशियल आर्म अगर ओ आर पे होता, तब तो कहीं से हम लोग उस पॉइंट को ए माइनस बी एंगल जो पॉइंट बना रहा हो, उस पॉइंट को कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी लिख पाऊंगा, इनिशियल आर्म तो ओ आर पे होना चाहिए ना, तो मैं क्या करता हूँ, ओ क्यू को उठा के ओ आर पे रख देता हूं, उससे क्या होगा, इधर रख दिया मैंने, उससे क्या होगा, ओपी, ओपी उठ के इधर कहीं आ जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, बोलो इस बात में किसी को दिक्कत कोई, ठीक नो है ना। सर, तो अब ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं एस, ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी कॉमा साइन ए माइनस बी हो जाएगा, यस सिंपल सी बात है। अब सर, आपने बचपन में ये पढ़ा होगा, बचपन में ये पढ़ा होगा कि कोई भी सर्कल है, एक्स एक्सिस का भी सर पॉइंट चेंज होगा। नहीं एक्स एक्सिस का तो 1,0 ही रहेगा ना, वो पॉइंट क्यों चेंज होगा, वो तो 1,0 ही रहेगा, क्यू को जो नीचे लाए सर, क्यू को नीचे लाए मतलब ये समझो ना, थोड़ा इमेजिन किए कि अगर उसको नीचे लाएंगे तो नीचे लाने पे तो वो 1,0 हो जाएगा,
नीचे लाने के बाद ओ क्यू को नीचे लाए, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा कंप्लीटली उठा के रखी दिया, मतलब इमेजिन किए कि अगर ओ क्यू नीचे आएगा तो ओपी भी ओ एस पे आ जाएगा, बस इतना बोला मैंने। या फिर दूसरे तरीके से ये समझ लो कि एक एंगल ए माइनस बी ले लिया जिसका इनिशियल आर्म ओ आर से शुरू होता था, ठीक है बोलो। यस सर। तो किसी सर्कल में अगर दो कोई कॉर्ड होता है, अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, अगर दो कॉर्ड सेंटर पे इक्वल एंगल बनाता है, ये एंगल इक्वल होता है, मतलब इस कॉर्ड का लेंथ भी इक्वल होता है क्या? यस सर। है ना, अगर वो एंगल यस बनता सर। है इक्वल तो उसका लेंथ भी इक्वल होता है। तो वही काम यहाँ पे, अब एंगल पी ओ क्यू भी ए माइनस बी है और एंगल आर ओ एस भी ए माइनस बी है, तो ये दोनों एंगल जो कॉर्ड बना रहा होगा, कॉर्ड जैसे पी क्यू कॉर्ड हो गया और आर एस कॉर्ड हो गया, तो क्या पी क्यू और आर एस क्वाड भी इक्वल होगा? यस तो पी क्यू स्क्वायर भी आर एस स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सर। तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा? अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा 10th में, डिस्टेंस फॉर्मूला ये बताता है कि पी क्यू स्क्वायर का लेंथ क्या हो जाएगा, या पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, कॉस कॉस स्क्वायर कॉस बी होल स्क्वायर। स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर एस, कितना हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, तो वो साइन स्क्वायर ए माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? सॉरी नहीं, भाई, प्लीज मैंने यही बताया कि किसी सर्कल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं, कॉर्ड जो सबटेंड करता है एंगल, यहाँ पे ये डायग्राम है देखो, दो एंगल अगर इक्वल होता है जो दो कॉर्ड बनाता है सेंटर पे, तो उन कॉर्ड्स का लेंथ भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल यहाँ है। पे अपने को देखा कि पी ओ क्यू एंगल आर ओ एस एंगल के इक्वल है, तो पी ओ क्यू एंगल कौन सा कॉर्ड बना रहा था, पी क्यू बना रहा था, आर ओ एस कौन सा कॉर्ड बना रहा था, आर एस बना रहा था, तो क्या पी क्यू और आर एस इक्वल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो पी क्यू आर एस, अब डिस्टेंस फॉर्मूला दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने डिस्टेंस देखा होगा कि अगर ये एक्स वन वाई वन ये सबने देखा है ना, और ये एक्स टू वाई टू होता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर ये पॉइंट पी क्यू है तो पी क्यू का लेंथ क्या होता है, रूट ओवर एक्स वन माइनस एक्स टू स्क्वायर प्लस वाई वन माइनस वाई टू स्क्वायर, ये तो पता है ना, बोलो। तो यही वाला मैंने यूज किया है, देखो पी क्यू का लेंथ क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस बी स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस साइन बी स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। और आर एस क्या हो जाएगा, देखो एस का क्या है कोऑर्डिनेट, कॉस ए माइनस बी, आर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वन, तो कॉस ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वही लिखा है मैंने। कोई दिक्कत? नो सर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो नो जाएगा, सर। कॉस स्क्वायर ए माइनस टू कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू साइन ए साइन बी प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू आर एच एस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस बी माइनस टू कॉस ए माइनस बी प्लस वन प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये दोनों वन हो जाएगा, वन होगा ना, वैसे ही यस कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये भी क्या हो जाएगा, सर। वन हो जाएगा, माइनस वन टू कॉस ए कॉस बी माइनस टू साइन ए साइन बी, वैसे ही लेक्चर में इसी बात में कॉल कर लीजिए, टू साइन साइन बी इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, वैसे ही ये वाला और ये वाला दोनों ऐड होगा, क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन माइनस टू कॉस यस ए माइनस बी प्लस वन, देखो प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन खत्म हो गया, क्या बचा, अब इधर से माइनस टू कॉमन ले लेता हूं, तो क्या बचेगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज इक्वल्स टू माइनस टू कॉस ए माइनस बी,
माइनस टू खत्म हो गया, तो कॉस ए माइनस बी क्या बचा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आया समझ में? बोलो yes, yes, प्रूव करना था अपने को yes, तो एक प्रूव yes, हो गया cos a माइनस बी हो गया, तो साइन a माइनस बी निकाल सकते हैं रूट ओवर वन माइनस cos स्क्वायर बी से, है ना, और माइनस की जगह, या फिर आपको cos a प्लस बी प्रूव करना है तो cos a प्लस बी आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, cos a प्लस बी ऐसे प्रूव कर सकते हो कि ये इधर है तो ये एंगल आप कहीं a ले लो, ये एंगल कहीं b ले लो, ये एंगल a है ये एंगल b है, ये पूरा अब इसका भी कोऑर्डिनेट ले लेना cos a cos b, है ना, ये कोऑर्डिनेट ले सकते हो आप cos, सॉरी cos a sin a, ये कोऑर्डिनेट ले सकते हो cos b sin b, समझ रहे हो ना, ऐसे करके आप आगे बढ़ो तो a plus b भी आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि cos a minus b आ गया तो आप कुछ नहीं माइनस की जगह प्लस लगा देंगे तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। आया समझ में? बोलो यस सर। यस चलो जल्दी से ये कॉपी कर लो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भैया। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है कॉपी करो। ऊपर कीजिए। सर ऊपर वाला नहीं लिखे थे। लो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर। यशवंत कल क्यों नहीं आए थे? सर के लिए जाना पड़ा था स्कूल का काम। अच्छा स्कूल जाना पड़ा था किस चीज के लिए? एडमिशन के लिए सर। अच्छा 11th में एडमिशन के लिए। अच्छा अब तो गोलपरा हाई स्कूल में ही हो जाता है जी। हो गया एडमिशन? नहीं सर आज बोले हैं 12 बजे जाने के लिए फिर से। मास्क सब लगा के जाते हो ना? जी सही बताओ नहीं जाते हो ना? अभी झूठ बोलना पड़ा ना जी। नहीं सर जाते हैं।
और मास्क निकाल के मस्त वो मुंह के पास अपना हाथ ले जाता, नाक पोछते हैं ऐसे हाथ से मास्क निकाल के तुरंत, है कि नहीं? नहीं नाक के पास खुजली होता होगा मास्क की वजह से, तो मास्क तुरंत ही हटा के ऐसे हाथ थोड़ा रगड़ दिया, उसके बाद वापस मास्क पहन लिया, है ना? ये किया करो तो उससे फिर नहीं होता है कोरोना, मत करना। फिर कई लोग यही करते हैं, मास्क पहनते हैं सिर्फ दिखाने के लिए, क्या फायदा है फिर? लिए नीचे की जिन सर लिखिए हो गया? यस सर। और यहाँ पे डायग्राम में जैसे कि मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है डायग्राम को, रेड कलर से जो पार्ट है, आप चाहो आपके पास अगर दूसरा कलर नहीं है तो आप उसको वो डॉटेड लाइन से जो कटी लाइन होती है उससे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? जिससे कि थोड़ा अलग सा दिखे, तो आप उसका यूज कर लो, ठीक है? हो गया सर। हो गया सबका? बाकी लोग? यस सर। यस यस तो ये चार फॉर्मूला सर। आपको सपने में भी नहीं भूलना है, बस ये समझ लो, ठीक है? मैं ये थोड़ा सा क्या किया मैंने, अगर देखो तो पी ओ क्यू एंगल और आर ओ क्यू एंगल इक्वल है, आर ओ एस एंगल इक्वल है, दोनों कॉर्ड भी पी क्यू और आर एस कॉर्ड भी इक्वल होगा, है ना? पी क्यू और आर एस कॉर्ड जो होगा उसका लेंथ भी इक्वल होगा, तो वही मैंने लिखा है, तो पी क्यू स्क्वायर भी आर एस स्क्वायर भी इक्वल होगा, है ना? तो पी क्यू का आप डिस्टेंस फॉर्मूला से, कॉर्ड ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला से पी क्यू का लेंथ भी निकाल लिया, कॉस माइनस कॉस बी स्क्वायर, साइन माइनस साइन बी स्क्वायर, और आर एस का लेंथ भी निकाल लिया ऐसे ही। आर एस का लेंथ कैसे है? कॉस ए माइनस बी माइनस वन का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस बी माइनस जीरो का स्क्वायर, वही लिखा है इधर, और उसको पूरा सॉल्व करते चले गए, तो उसको सॉल्व करते चले जाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करो इस पे बेस्ड, साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5, इफ साइन अल्फा इक्वल्स टू 3/5, कॉस बीटा इक्वल्स टू 5/13, देन फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, जल्दी।
6/13 कितना? 6/13। ठीक है,63/65 63/65। और कोई और आंसर? आंसर निकालने का ट्राई करो अभी, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री का एबीसी ही पढ़ रहे हैं हम लोग, आगे वो बहुत कुछ आएगा।63/65 63/65। और कोई? यशवंत, सरिता, ऋतिक रोशन, पूजा, आप लोगों को आंसर? साइन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब साइन अल्फा तो पता है, कॉस बीटा भी पता है, लेकिन कॉस अल्फा नहीं है पता, साइन बीटा नहीं है पता, तो कॉस अल्फा निकालना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, 63/65 किसी एक का और आंसर आया, तो कॉस अल्फा क्या होता है? आप सिर्फ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यूज किए होंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन एक और चीज का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अब क्योंकि ट्रिगो थोड़ा आगे बढ़ चुका है, अब तो नेगेटिव एंगल भी होता है ना, तो कॉस अल्फा प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा भी तो हो सकता है, माइनस भी तो हो सकता है, क्यों है कि नहीं? तो आप लोगों ने माइनस को कंसिडर नहीं किया, तो आगे से वो माइनस भी कंसिडर करना है। किन क्वेश्चंस में? जिनमें वैल्यूज हो। 63/65 ठीक है, आपको 63/65 आया। ठीक है, अभी अब देख लो मैं क्या बता रहा हूं कि कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, या फिर आपका मन करे नहीं तो मैं PBH से करूंगा, तो साइन अल्फा 3/5 है, तो यहाँ P आपने 3 लिया होगा, H आपने 5 लिया होगा, अब B निकालोगे तो B क्या प्लस माइनस आ जाएगा ना, आप लोगों वो तो लेंथ नेगेटिव हो नहीं सकता है, लेकिन वो कोऑर्डिनेट भी तो है, कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं? तो आप इन चीजों को समझो, अब कॉस अल्फा नेगेटिव हो सकता है, तो आपको नेगेटिव को भी मान के चलना पड़ेगा जहां भी वैल्यूज वाले क्वेश्चन होंगे वहां पे। तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस 9/25, दैट इज प्लस माइनस ये 16 आएगा, तो 4/5। और वैसे ही अगर कॉस बीटा की बात करें, नहीं साइन, कॉस बीटा तो पता है, साइन बीटा चाहिए। साइन बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस फिर से 1 माइनस cos² बीटा। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस √1 माइनस cos² बीटा कितना है? 5/13 का स्क्वायर। तो 13² माइनस 5² क्या हो जाएगा? 12² का स्क्वायर, 12/13। अब यह वैल्यू रखेंगे, साइन अल्फा कितना था? 3/5, कॉस बीटा कितना था? 5/13। एक बार प्लस रखेंगे, अगर दोनों प्लस होगा तो एक बार प्लस रखेंगे, एक बार माइनस रखेंगे, तो प्लस रखेंगे तो क्या हो जाएगा? +4/5 × sin β कितना हो जाएगा? 12/13 इक्वल्स टू कितना? अब यही आपने क्या होगा, 15 + 48/65, 63/65। या फिर साइन अल्फा प्लस बीटा और भी क्या हो सकता है? एक को आपने इस दोनों को प्लस लिया, अब एक को प्लस तो दूसरे को माइनस, पहले को माइनस तो दूसरे को प्लस, उन दोनों में तो वैल्यू सेम ही रहेगा ना, क्योंकि ये तो फिक्स ही रहने वाला है, 3/5 और 5/13, है ना? यहां माइनस कर दो आप, क्योंकि देखना ध्यान से,
पहले अगर यहाँ पे इसको माइनस लोगे इसको प्लस लोगे तो भी नेगेटिव होगा, या इसको प्लस लोगे इसको माइनस लोगे तो भी नेगेटिव होगा, और अगर दोनों को नेगेटिव ले लोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही वापस से हो जाएगा, तो मतलब यही वैल्यू आ जाएगा। तो एक ही और पॉसिबिलिटी बचा कि आप बीच में माइनस साइन डाल दो, 4/5 × 12/13। बोलो, कंफ्यूजिंग तो नहीं है, समझ में आया सबको? बोलो, यस सर। यही एक पॉसिबिलिटी बचता है माइनस वाला, क्योंकि बाकी सब हमने कंसिडर कर लिया। चाहो तो बाकी पॉसिबल भी निकालो, बट वैल्यूज इतने ही आएंगे। 15 − 48/65, दैट इज −33/65। आया समझ में? यस सर। तो दो वैल्यूज आए, क्या क्या, 63/65 एंड −33/65। अब वो बचपन का कहानी नहीं करेंगे कि बचपन में जितना पता था PBH वही यूज कर लिया, खत्म। अब नेगेटिव भी हो सकता है, सब बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रहा हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है। हो गया, लिख लिए? अब कोई ये मत बोलना सर ऊपर यस कीजिए, ऊपर का उतना तो कर लिया होगा ना तुमने। चलो ठीक है, जल्दी लिख लो। गौरव राज, आपको समझ में आ रहा है? यस डन, बोलो जल्दी। यस एक और सर। क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं अपने को, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। साइन ए इक्वल्स टू 3/5, कॉस बी इक्वल्स टू 12/13। फाइंड साइन सी। सोनू, सब समझ में आ रहा है? यस तुम भी गए थे कल हाई स्कूल? सर। तुम्हारा हुआ एडमिशन? यस हो गया? पैसा भी लगता है एडमिशन लेने में क्या? इसका नाम आया सर। माइक ऑन करते करते बोलना चालू करते हो, बीच में ऑन करते हो फिर छोड़ देते हो। ओहो सोनू, तुम भी बोले जाया पता नहीं क्या बोल रहे हो। सिलेक्ट हो गया सर। अच्छा, सेलेक्ट हो गया नाम। ओके ठीक है। तो तुम भी मास्क पहन के गए थे या गमछा ओढ़ के गए थे? अच्छा, क्या बता दूं?
ऋतिक रोशन होगा तुमसे। बना रहे हैं। कब बनाओगे? थोड़ा जल्दी करो, फास्ट सब लोग। इतना टाइम किसी से नहीं हुआ, मतलब कोई तो आंसर दो। अब्दुल नहीं आएगा आंसर? फोर बाय फाइव और टू बाय थर्टीन। फाइव बाय फोर बाय फाइव और ट्वेल्व थर्टीन। फोर बाय फाइव और ट्वेल्व बाय थर्टीन। अच्छा चलो ठीक है। आपको लेकिन खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, आपको लग रहा होगा कुछ तो कहीं गलती है, ऐसा है क्या? यस सर। बस। और किसी का? अविनाश आपका आया कुछ आंसर? अविनाश चलो यस सर। आया कुछ आंसर? माइनस 86 बस 65 एंड 16 अपॉन 15 माइनस 16 अपॉन 15। 65 और माइनस 16 बाय 15। ये तो देखो सीधे ही 56 गलत है। सर वहाँ माइनस 56। यह माइनस 56 से पहले वाले में, माइनस 56 बाय 65 माइनस 16 बाय 15। देखो दूसरा वाला तो मुझे बिल्कुल ही गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो वन से, माइनस वन से भी छोटा हो गया ना, और साइन थीटा कभी माइनस वन से छोटा हो नहीं सकता, माइनस वन और वन के बीच ही रहेगा। तो देखो बताता हूँ, और तो एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए ऑब्ट्यूज है, तो साइन ए कॉस, साइन सी चाहिए। तो किसी ट्रायंगल में साइन सी को क्या लिख सकता हूं? 180 या पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं ना, इतना तो पता होगा आपको, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है, तो उसको ही तो पाई बोलते हैं क्या? ये है ना, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन पाई माइनस कोई एंगल, तो क्या हो जाता है? साइन पाई माइनस, साइन मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन ए प्लस बी। क्यों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अंकित अंतिम बोलो। नो बाकी लोग सर। नो सर। नो सर। अब साइन ए प्लस बी होता क्या है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहां तक किया था किसी ने? यहां तक किसने किया था बोलो? यहां तक भी किसी ने नहीं किया था? तब तो गलत बात है, यहां तक तो कम से कम करते हैं। अब तो कर लो, क्यों? यस सर। चलो अभी भी करो, बाकी क्या अब्दुल अब हो जाएगा? यस सर। चलो करो, ऋतिक सब लोग करो, सोनू शिवम गौरव और जो भी है। और ये कॉन्सेप्ट अब याद रखना है कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है या फिर पाई रेडियन होता है, तो वो उसका कहीं भी कभी भी यूज आएगा।
56/65 and 16/65. ठीक है, और कोई? ओके देखो, अब आप लोग जो आंसर दे रहे हो 56/65 और 16/65, मतलब कि आप यहां नहीं देख रहे हो कि ए ऑब्ट्यूज एंगल है. अब ए ऑब्ट्यूज एंगल का यहां पे बहुत बड़ा रोल है. क्या रोल है सुनो. अब साइन ए ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ध्यान से देखना. ऑब्ट्यूज एंगल होता है 90 से ज्यादा को ऑब्ट्यूज एंगल नहीं बोलते, 180 से ज्यादा को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अगर कोई एंगल 180 से ज्यादा तो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, और अगर 180 से कम है, 90 से ज्यादा है, उसे ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं. तो अब इतना तो समझ में आ गया होगा कि एंगल ए सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब 90 से ज्यादा 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट में है. अब आपको थोड़ा सा चमका होगा कुछ तो यहां पे क्या साइन सी या साइन ए कितना है 3/5. अब अगर कॉस ए की बात करें तो कॉस ए यहां भी आपने प्लस माइनस ले लिया होगा, 1 - sin² है. ध्यान से देखना, अच्छी बात है, प्लस माइनस आपने ले लिया. प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, 1 - 3² / 5² दैट इज +-4/5. लेकिन ए किधर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में. ए किधर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड में कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है. साइन थीटा पॉजिटिव था ना, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है. तो यहाँ पे फाइनली कॉस ए क्या लूंगा, सिर्फ -4/5. 90% यही गलती कर देते हैं. कॉस ए क्या हो जाएगा, -4/5, क्योंकि ए क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल था. और ए ऑब्ट्यूज है तो बी क्या होगा, ऑब्ट्यूट होगा, क्योंकि किसी एक ट्राइंगल में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज हो सकता है, एक ही एंगल 90 से ज्यादा हो सकता है, और बाकी दोनों तो फिर 90 से कम ही होगा ना. तो कॉस बी अगर 16/5 है, या नीचे लिखता हूं मैं, कॉस बी 12/13 है. तो साइन भी क्या हो जाएगा, अब चाहो तो लिखो प्लस माइनस, लेकिन अभी वो अक्यूट एंगल है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा. होगा कि नहीं होगा, तुम लोग ही बताओ. यस सर, होगा. बी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसको सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है. तो 1 - 12² / 13² दैट इज क्या हो जाएगा, 5 / 13 पॉजिटिव. अब इसको 3/5 × 12/13 प्लस कॉस ए कितना है, -4/5 × 5/13. तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा, 36 - 20/65 दैट इज 16/65. सिर्फ ये आंसर होगा, क्योंकि वहां ट्रायंगल हो गया था, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया था. तो इन चीजों का आपको बहुत ख्याल रखना है, बहुत बार ऐसा यूज होगा. अब ये क्वाड्रेंट का किधर क्या क्या यूज होता है आप खुद ही देख रहे हैं. ठीक है, लिख लिया, कॉपी करो, चलो ऊपर से जहां से भी करना है. सर ऊपर इसके ऊपर तो क्वेश्चन ही है मैम, तो ऊपर कैसे करें. हाँ नीचे, तुम नीचे बोलना चाह रही होगी. लो इतना तो खुद से कर लेंगे ना, √1 - 12² / 13² / 5/13. चलो लिखे, मैंने कर दिया नीचे, चलो जल्दी करो. हो गया हो गया. यस सर.
बाकी लोग जल्दी बोलो, हुआ तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर हो गया। यस सर हो गया सर, ये हो गया सर। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। कॉस 42 डिग्री प्लस, ये आसान है, ये आप सबसे हो जाएगा, 78 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ। क्या नहीं होगा, मेहनत कर ली है, थोड़ा सा मैंने क्या 3/4 3/4। अब्दुल आप क्या बोल रहे हो, आपका एक ही लेक्चर में लगता है इंटरनेट। अच्छा टाइम लगेगा क्या, टाइम दूं या फिर कर दूं मैं? बाकी लोग देखो बताता हूं, आपका 3/4 कैसे आया निकिता, बताइए, बताना चाहेंगी आपने क्या किया निकिता? यस सर बताओ कैसे किया, कैसे बोले समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है देखो, तो इसको क्या लिख सकते, देखो कैसे सोचेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस में हर बार हम लोगों को देख के थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे क्वेश्चंस को आप करते चले जाओ, जो आप कर सकते हो, जो आपको लग रहा है कि जो अपने फेवर में रहेगा, ऐसा कुछ करते चले जाओ, क्वेश्चन होगा ही होगा। ये थोड़ा सा दिमाग लगा के आगे बढ़ेंगे, जैसे 42 है 78 है, अपने को वैल्यू किसका किसका पता होता है, 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का, यहां तक का तो वैल्यू याद है, तो हम लोग उतने बारे में ही सोचेंगे, ठीक है, उतने के बारे में ही सोचेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अरे मैं लेक्चर में करता हूँ, हाँ बोलना, 11 बजे से, अरे वो आनंद लेता है, थोड़ा लेट तक लेता है, वो 10:30 से 11 तक ले लेता है।
अरे तो ठीक है, क्या वो थोड़ा सा लेट तक ले लेना, आनंद को बोलना थोड़ा लेट से ले लेना, और आनंद को बोलना थोड़ा लेट से स्टार्ट करना, ठीक है? बात कर ले तो आनंद से। चल बाय। निक्की ने आंसर दिया 0, उसे पे अच्छा ओके निक्की, ठीक है। और कोई किसी को कुछ बोल रहा है? मौसम ने भी आंसर दिया 0। और किसी को कुछ बोल रहे थे क्या? अब नहीं, अब्दुल आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं। ओके देखो, कॉस 42 है और कॉस 78 है, तो 42 डिग्री क्या हो जाएगा? अपने को पता है 30, तो इसको 30 + 12 लिख सकते हैं 42 को, और 78 को क्या लिख सकते हैं? 12 लिखने में तो 90 - 12 लिख तो सकते हैं। अरे यार -2 हेलो, अरे हाँ, कितनी देर में दे रहे हो? आ लेके आके फिर कॉल कर देना, ठीक है? हाँ क्या बोल रहे थे बोलो। अरे कोई कुछ बोल रही थी ना, बोला 90 - 12 70। हाँ 90 - 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, 90 - 12 लिख सकते हैं। तो मैं नहीं दे रहा सही, तो अब ट्राई, मुझे पता नहीं होगा ही नहीं होगा, मैं खुद ही बता रहा हूँ, मुझे वो मेथड पता नहीं है कि लिख के देते क्या होगा। प्लस कॉस 90 - 12 प्लस कॉस 180, नहीं क्या 150, इसको 12 के फॉर्म में लिखना है, तो 150 डिग्री का वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं। प्लस 12 ऐसे मैं लिख दिया, मैं सही बता रहा हूँ, इसके बाद हो सकता है कि इस तरह से ना करते चले जाएंगे, तो उम्मीद तो है कि ना कुछ अच्छा चलेगा, और यही काम होता है, यही करना होता है, क्वेश्चन देखते रहेंगे सोचते रहेंगे तो ही होगा, कुछ ना कुछ करेंगे आगे। कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 12 डिग्री, अब हम लोगों ने पता है 30 डिग्री साइन 12 डिग्री, और ये क्या होता है? कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, और यहाँ भी यूज कर लेता हूँ, चलो कॉस 1 डिग्री इन कॉस 12 डिग्री माइनस साइन 150 डिग्री इंटू साइन 12 डिग्री इक्वल्स कॉस 30 क्या होता है? √3/2 लिख दिया बस ऐसे ही, कॉस 12 इसको तो नहीं लिख सकते हैं, साइन 30 क्या होता है? 1/2, साइन 12 प्लस साइन 12 प्लस कॉस 150 डिग्री क्या लिखोगे आप? अब अलग से कई वैल्यू आप चाहो तो निकाल लो, कॉस 150 को क्या लिख सकते हैं? कॉस 180 - 30, और कॉस 180 - थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा मीन्स माइनस √3/2, तो इसको क्या लिख दिया? माइनस बना दिया, √3/2 इनटू कॉस 12 डिग्री। साइन 150 क्या होता है आप चेक कर लेना, 1/2 होता है ना, क्योंकि साइन 150 सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होता है, 150 को मैं सीधे 180 - 30 सोचता हूँ, है ना, 180 - 30 1/2 साइन 12। देखो ये और ये खत्म हो गया, और माइनस हाफ साइन 12 माइनस हाफ साइन 12 मिलके क्या हो जाएगा? साइन 12 हो जाएगा, साइन 12 पहले से था, माइनस साइन 12, ये दोनों भी खत्म हुआ, इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या बोला था, आपको करते चले जाना है, जो भी आप कर सकते हो वो करते चले जाओ, आंसर 90% चांस है कि आपका आएगा, ट्रिगो की खास बात यही है। चलो इसी को मैंने ऐसे कर दिया, और ये मैंने पहली बार किया ऐसे मेथड से, मैं सही बता रहा हूँ। चलो मैं दूसरा मेथड ट्राई करता हूँ आपके सामने ही करके देखते हैं कि क्या किसी दूसरे मेथड से हो सकता है क्या, करके देखते हैं, वही खासियत होता है मैथ्स का। क्या क्वेश्चन? कॉस 42 डिग्री प्लस कॉस 78 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री, इससे पहले तो हम लोगों ने 12 लिखा था, जो पता था 30 + 12, 60 - 18 भी तो लिख सकते हैं, तो 60 - 18 लिखते हैं एक बार। प्लस अब 60 - 18 लिखा है, तो दूसरे को भी कुछ कुछ 18 के फॉर्म में लिख सके तो ही काम बन पाएगा, नहीं तो वहीं पे छोड़ देंगे सिक्सटी काम, प्लस एटीन है ना, तो 60 + 18 लिख सकते हैं, वहीं पे काम कुछ बनता हुआ, अब वो मुझे बनता हुआ दिख रहा है इसीलिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम देखे तो कंटिन्यू नहीं करता। प्लस कॉस 162, इसको भी तो मस्त तुम ऐसे लिख सकते हो ना, 180 - 18 है ना, 180 - 18 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता था। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, क्या होगा? कॉस 60 इंटू कॉस 18, अभी आपने आगे का फॉर्मूला सीखा नहीं है इसीलिए ऐसे यूज कर रहा हूं, नहीं तो ये सीधे फॉर्मूला होता है।
और ये क्या हो जाता है प्लस साइन 60 साइन 80, उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस कॉस 60 इंटू कॉस 18 और ये माइनस साइन 60 इंटू साइन 18 और प्लस कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 18। ये दोनों तो अभी ही करता हुआ दिख रहा है साइन 60 साइन 18 प्लस और माइनस कॉस 60 क्या होता है 1/2 कॉस 18 और यहाँ भी कॉस 60 क्या होता है 1/2 कॉस 18 माइनस कॉस 18 दोनों ऐड हो गए कॉस 18 हो गया ना इक्वल टू 0। तो यही दो किया जा सकता था। आपको तीसरा कुछ दिमाग में आता है तो वो भी करके देखना क्या पता उससे भी हो जाएगा है ना। तीसरा कुछ आपको दिमाग में आता है तो वो भी करके देखना पॉसिबिलिटी हो जाएगा उससे। तो ऐसे ही सोचते हैं ऐसे क्वेश्चंस को और डरते नहीं है और जो कर सकते हैं वो करते चले जाते हैं। चलो कॉपी करो। सर कुछ दिखने आपका इंटरनेट का थोड़ा इश्यू हो गया होगा, एक बार बैक जाके वापस आओ आपको सब दिखेगा। और ट्वेल्थ के स्टूडेंट टाइम पे आना आज यार केमिस्ट्री के लेक्चर में, जैसे कि ग्रुप में भी मैसेज आया और मुझे भी उन्होंने बोला कि आप उनको बोल दूं जो भी ट्वेल्थ के स्टूडेंट है 10 बजे डॉट आ जाना, क्योंकि फिर थोड़ा सा टाइम की कमी हो जाती है। 10 बजे से आपका केमिस्ट्री का लेक्चर है तो 10 बजे डॉट आ ही जाना। लिख लिया? यस सर। यस सर। दोनों मेथड लिख दो। ये अल्टरनेट मतलब अल्टरनेट मेथड होता है, अल्टरनेट होता है ना वर्ड मतलब कुछ दूसरा, इसको अल्टर ऐसे लिख दिया करते हैं कि अल्टर मतलब दूसरा मेथड। हो गया लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है बाय, नेक्स्ट से मिलते हैं आप ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। ठीक है थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।